हेलो, दिस इज वलीद। दोस्तों भाई, बात करते हैं कल के मैचेस के बारे में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन चेस कर लिए। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से सो कह सकते हैं चेस कर लिया टारगेट पाकिस्तान का। इस मैच में बात करेंगे, काफी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है दोनों टीम्स के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, तैयारियां नजर नहीं आ रही। तो भाई पूरी तरह से पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं कल के मैच पे और देखते हैं क्या वजह रहेगी, मतलब कि क्या ऐसा क्या रीजन है कि ये दोनों टीमें अच्छी परफॉर्मेंस अभी फिलहाल नहीं दे पा रही जिनसे बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, 208 रन का टारगेट, हार्दिक पांड्या की सुपर बल्लेबाजी, लगातार परफॉर्मेंस देते आ रहे। सूर्य कुमार यादव ने दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से वो आज नंबर 3 के ऊपर रैंकिंग पे आ चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ बात करें तो केएल राहुल का भी बल्ला चला, उनके ऊपर जो स्ट्राइक रेट का इल्जाम लग रहा था डिफेंसिव खेलते हैं, उन्होंने बता दिया कि मैं तेज खेल सकता हूं। तो बैटिंग के लिहाज से तो इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग के लिहाज से इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। कहां पे मार खाई? अपनी बॉलिंग पे, जो कि लगातार जिसको कह सकते हैं एशिया कप से मसला चलता आ रहा है इंडिया का बॉलिंग का, स्पेशली भुवनेश्वर का 19वां ओवर। अब बात करें भुवनेश्वर के 19वें ओवर की, तो क्या कहानी है इसके पीछे मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के अगेंस्ट सेकंड लास्ट ओवर में 19 रन इन्होंने खाए थे, जिसके अंदर आसिफ अली ने इनको जिसको कह सकते हैं रन मारे थे। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 14 रन इन्होंने खाए थे, आप सबके सामने है कि मतलब क्या हुआ था मैच के अंदर, और अर्शदीप को एंड पे रन्स नहीं मिले थे डिफेंड करने के लिए, और उसी की कैरी ऑन किया इन्होंने लगातार जिसको कह सकते हैं तीसरे मैच के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर रन्स खा लिए और लगातार सेकंड लास्ट ओवर 19वें ओवर में भी रन्स खाए, इसके अलावा 17वें ओवर में भी रन्स खाए भुवनेश्वर कुमार ने। तो ये बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं रीजन आ रहा है। मैं ट्विटर पे देख रहा था, हर क्रिकेटर ये कह रहा है कि भुवनेश्वर कुमार से ओवर ना करवाओ, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रोहित शर्मा जिसको कह सकते हैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं भुवनेश्वर कुमार पे कि वो पूरा रिलाय कर रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार एक ना एक दिन तो 19वां ओवर अच्छा करवाएगा। अब बात करें तो माना कि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह इस वक्त नहीं है, खेल नहीं रहा, अभी उसकी फिटनेस पे सवाल है कि खेलेगा तो क्या प्रॉपर वो फिट होगा, ये बड़े ज्यादा सवाल है। लेकिन मैं फिर वो बात करूंगा जब बुमराह टीम के अंदर आएंगे। हार्दिक पांड्या ने भी ऐसे कहा कि जब बुमराह टीम के अंदर आएंगे तो हमारी बॉलिंग और स्ट्रांग होगी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या अकेला बुमराह इस बॉलिंग को अच्छा कर सकता है? अकेला बुमराह क्या इस बॉलिंग को अच्छा कर सकता है? 4 ओवर तो बुमराह अपने अच्छे निकाल लेगा, लेकिन बाकी जो 16 ओवर्स हैं वो भी तो करने हैं ना। और अर्शदीप सिंह को इस पर स्क्वाड के अंदर नहीं रखा हुआ, रेस्ट दिया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अर्शदीप सिंह भी वापस आ जाते हैं तो मतलब क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, और भुवनेश्वर कुमार किस पोजीशन पे अपने ओवर करवाएंगे? बड़े ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर। के एक टाइम था कि हम समझते थे कि मैं पर्सनली समझता था कि जब रोहित शर्मा आईपीएल में कैप्टनसी किया करते हैं बड़े कूल रहा करते हैं, बड़ा ठंडा ठंडा बंदा रहा करता है। मुझे लगता था कि धोनी के बाद जो कहते हैं ना अच्छा कप्तान साबित होगा वो रोहित शर्मा होगा, लेकिन जब से ये इंडिया की टीम के कैप्टन बने स्पेशली एशिया कप से, इनके अंदर कुछ ज्यादा ही एग्रेशन आ गया, बहुत ज्यादा बदतमीजी रूडली बिहेव कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ। हमने देखा अर्शदीप के साथ एशिया कप में किया था, दिनेश कार्तिक के साथ कल के मैच के अंदर किया, और बॉलिंग चेंजेस अच्छे नहीं कर रहे जो कि बड़ा वजह बनती आ रही है इंडिया की हारने की। एमएस धोनी के पास भी अगर देखा जाए तो कोई खास बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, लेकिन वो कैप्टन ऐसा था कि वो सोच समझ के ऐसे ओवर करवा देता था कि लोगों को जिसको कहते हैं समझ नहीं लगती थी सामने वाली टीम को, वो बुरे बॉलर को भी अच्छा बना देते थे, ऐसी पोजीशन पे ओवर करवाया करते थे। इवन के आप देख सकते हैं आईपीएल के अंदर भी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से दीपक चाहर लगातार 4 ओवर करवा देते होते हैं, 10 ओवर के अंदर वो अपने 4 ओवर कंप्लीट कर लेते होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि डीजे ब्रावो एंड का स्पेशलिस्ट है, उससे एंड पे बॉलिंग करवाएंगे। तो ये मुझे बड़ा मसला नजर आ रहा है रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर। हमने देखा विराट कोहली का जो एग्रेशन था वो अलग टाइप का एग्रेशन होता था, वो सामने ओपोनेंट के ऊपर एग्रेशन करते थे, अपनी टीम पे नहीं करते थे, लेकिन रोहित शर्मा ओपोनेंट के ऊपर एग्रेशन नहीं कर रहे, अपनी टीम अपने प्लेयर्स के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, जो कि ये अच्छी चीज नहीं है। दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच की, पाकिस्तान से कह सकते हैं इंग्लैंड से हार गया मैच, फर्स्ट T20 मैच था, काफी हमने सुना चेंजेस होंगे लेकिन इतने खास चेंजेस नहीं हुए। एक सवाल जो सबने कर रहे हैं वो ये है कि क्या शान मसूद नंबर 4 का प्लेयर है? क्या शान मसूद नंबर 4 पे खेलना डिजर्व करता है? अगर आपने उसको खिलाना है तो आप उसको एज अ ओपनर खिलाएं या वन डाउन पे खिलाएं? तो ये बड़ा बड़ा सवाल आ रहा है। रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए, पोस्ट मैच एनालिसिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बाबर और रिजवान जिसको कह सकते हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं स्ट्राइक रेट के ऊपर, तो उनको यही कहना चाहते हैं कि हर बंदा अपने मुल्क के लिए अच्छा करना चाहता है। उन्होंने काफी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये बुरे सेंस से कह रहे हैं तो वो अच्छा नहीं कर रहे, वो अपने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो मतलब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी थोड़ा जैसे कह सकते हैं वो क्रिटिसिज्म के ऊपर जो कहते हैं क्रिटिसिज्म कर रहे थे जो उन लोगों के ऊपर हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो रिजवान
कल अच्छे स्ट्राइकर्स से खेले, बाबर आजम भी अच्छा खेले थे, लेकिन 70 पे जैसे 90 पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का ओपनर से रन किए, बाद में जैसे कह सकते हैं हमारी टीम ने टोटल से कहते हैं 70 रन किए। तो ये बड़ी वजह आ रही है कि हमारे बीच के बल्लेबाज नहीं चल रहे। अब सवाल ये कि कब चलेंगे। आप शान मसूद को भी टीम में ले, अब उसका चांस तो देना चाहिए, अभी एक मैच ही हुआ, उसको थोड़ा चांस दे, T20 का डेब्यू उसने किया है, हैदर अली का भी बल्ला नहीं चला, उसको भी चले चांस दे देते हैं। लेकिन सवाल ये कि इफ्तिकार अहमद और खुशदिल शाह, खुशदिल शाह की एशिया कप के बाद से अगर आप एवरेज देखें तो कोई खास नहीं है, वो तो 10 रन से ज्यादा कर ही नहीं पा रहा, सिवाय एक हांगकांग के मैच के अलावा, वो भी जिसको कहते हैं मैं समझता हूँ तुक्के से छक्के लग गए बॉलर की निस्बत, उसके अलावा तो उससे जिसको कहते हैं हिटिंग तो हो ही नहीं रही, उसे समझ नहीं आ रही कि खेलना तो उसने खेलना कैसे, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बाबर आजम क्या सोच रहे, किस सेंस में इनको आगे जाके लेके चलना है, ये बाबर आजम ही सही जानते हैं, लेकिन फिलहाल दिखने में तो लग रहा है खुशदिल शाह की टीम में जगह नहीं बन रही। और इफ्तिकार अहमद से कल ओवर भी नहीं करवाए, बाबर आजम की कैप्टनशिप भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्या बाबर आजम एक अच्छा कप्तान बन सकता है। आपने एशिया कप के फाइनल के अंदर इफ्तिकार अहमद से आपने स्पिनर की तौर पे उसे ओवर करवाए, लेकिन कल के मैच में आपने एज अ स्पिनर्स को यूज नहीं किया, हालांकि हमने देखा था स्पिनर्स को मदद मिल रही थी इस विकेट के ऊपर, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने उसको यूज नहीं किया। और दूसरी बात ये कि बाबर आजम की जो फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हुई है, कम से कम अब 30 रन तो आ रहे हैं, लेकिन जो बाबर आजम जिस कैलिबर का प्लेयर है, क्या वो दोबारा अपने रिदम में वापस आ जाएगा, ये बड़ा बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि बाबर आजम लेग स्पिनर से लगातार आउट पे आउट होता जा रहा है, बाबर आजम को ये चीज सूट नहीं करती। बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, उसको चाहिए कि भाई जज करे, एनालाइज करे कि वो कहां गलती कर रहा है, कि उसको लेग स्पिनर मसले दे रहे हैं, तो भाई उनके खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करो, हिट पे ना जाओ, ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं बाबर आजम के लिए इम्तिहान है। तो बात करें जरा अगले मैचेस की, तो अभी तो इंडिया का मैच तो जुमे को है, जुमे और संडे को, लेकिन पाकिस्तान का कल मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड T20, 7 मैचेस हैं लगातार होने ये मैचेस, तो मुझे लग रहा है कि कल के मैच में भी जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान कल के मैच में कमबैक करेगा और पाकिस्तान कल का मैच जीत जाएगा, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। हाँ, थोड़े बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करने पड़ने हैं, और शादाब खान कब वापस आएंगे टीम में ये भी समझ से बाहर है, क्योंकि हमने सोचा था कि रिजवान जिसको कहते हैं रेस्ट पे होंगे, लेकिन इधर रेस्ट शादाब को दिया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज को नंबर 4 पे बल्लेबाजी करवानी चाहिए, क्योंकि वो एक तेज लड़का है, एग्रेसिव प्लेयर है, लड़का यंग लड़का है, वो जानता है कि कैसे उसने मैच को चेंज करना है, तो आप उसको जैसे इंडिया के खिलाफ नंबर 4 पे यूज किया था वैसे ही उसको नंबर 4 पे यूज करें। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं जरूर कमेंट्स में कहते हैं बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो रोहित शर्मा इतना गुस्सा दिखा रहे हैं फील्ड के ऊपर, क्या वजह है जो बाबर आजम में सही कैप्टनसी नहीं हो रही, क्या वजह है ये दोनों टीमें हार रही हैं मैचेस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा भी खेतों में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।